हेलो दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं फोर्थ मेथड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक। हमने पहले एवरेज प्रॉफिट से करना सीखा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिए, अब सुपर प्रॉफिट मेथड भी देखिए। अब आज हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है। ये स्टेप्स सर ये आपने सब क्या लिख रखा है, ये एक काम करते हैं, पहले ये समझाने से अच्छा है आपको मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दूं कंसेप्ट्स, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और डायरेक्टली एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन एकदम डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर आपको मैं स्टेप्स क्लियर कर दूंगा कि मैंने क्या लिखा है। ये आप कॉपी कर लेना, हर क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। देखो इलस्ट्रेशन 18, अ फर्म अर्नड 60,000 एज अ प्रॉफिट, अर्नड 60,000 एज अ प्रॉफिट यानी कि ये फर्म कमा लेती है ऑन एन एवरेज, तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, ठीक है सर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, मार्केट में कितना टका कमाया जा सकता है जो कैपिटल लगाओगे उस पर 10% कमाया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। असेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल यानी कि अगर फर्म की कोई भी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रही है, यानी कि फर्म ने भी किसी और का गुडविल बाय किया होगा, जिस फर्म का हम गुडविल कैलकुलेट करें, तो गुडविल का हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब भी बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल दिखे ना और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन हो, तो ये फर्म का जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यही फर्म की अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल एज एन असेट दिख रहा है, वो वैल्यूएशन में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि वो किसी और का गुडविल इस फर्म ने परचेज कर रखा है। तो इस फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों? इस फर्म के प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्म वैसे भी एक्सक्लूडिंग करके दिया है असेट साइड में, एंड लायबिलिटीज आर 2,40,000। देखो हमें एक चीज पता है बैलेंस शीट में कि जब असेट्स दिए हो उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, तो ऑलरेडी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन दिए ना हमें कि असेट्स और बाहर की लायबिलिटी, यानी टोटल ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, तो क्या पता चल जाएगा कि ओनर्स का बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड। तो जब आप 7,20,000 में से 2,40,000 माइनस करोगे तो आपको, क्योंकि देखो ना टोटल ऑफ असेट साइड गिवन है 7,40,000, वही टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड हो जाएगी 7,40,000, अब 7,20,000, तो यही 7,20,000 टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में से अगर आप आउटसाइडर लायबिलिटी बेटा माइनस कर दोगे जो कि गिवन है 2,40,000, तो आपको पता चल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व्स। सर ये दो दो अलग बैलेंस शीट क्यों बनाई है? जब ये स्टेप समझाऊंगा तब समझाऊंगा। तो हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा, हाँ, कि बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है पार्टनर्स द्वारा, असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, यू विल गेट द पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स, यानी कि दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड वो देख लेंगे। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होगा। देखो पहले तो मेथड का नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, कि यहां पे ये एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है, ये मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा कि जो आप अर्न कर रहे हो ना 60,000, ये 60,000 मार्केट में किसी भी ओनर को सिमिलर बिजनेस में अगर कमाना है तो उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि अगर 60,000 मार्केट में कमाना है 10% के भाव पे, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, यानी कि 60,000 अपन क्या मानेंगे, ये प्रॉफिट्स है, ये रिटर्न्स है, रिटर्न्स का रेट कितना होता है 10%, यानी हम मानेंगे कि अगर मैं समझाता हूं, देखो अगर मैं 1,00,000 से आपको समझाऊ तो समझ में आएगा। अगर मैं बिजनेस 10% रेट ऑफ रिटर्न का हमें इतना मतलब पता होता है कि सर अगर आप मार्केट में 1,00,000 रुपया कैपिटल लगाते हो सिमिलर नेचर के बिजनेस में, तो 10% के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट रियलाइज होगा। यहां पे प्रॉफिट कितना रियलाइज हो रहा है इस क्वेश्चन में हमें 60,000। अब ये मेडल का लॉजिक क्या, ये 60,000 अगर आपको मार्केट में अर्न करना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, वो यहां पे लॉजिक। तो आप दिमाग लगाओ, अच्छा सर 60,000 अगर रिटर्न्स आने चाहिए 10% के भाव पे, तो सर 6,00,000 कैपिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6,00,000 का अगर मार्केट में कैपिटल लगाते हो तो मार्केट के रिटर्न्स जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, मार्केट का प्रॉफिट देने की कैपेसिटी क्या है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%। तो अगर आप 6,00,000 कैपिटल लगाओगे तो 10% के हिसाब से 60,000 रियलाइज होगा। सर आपने 6,00,000 कैसे कैलकुलेट कर लिया? सर ने ऐसे किया कि अगर 60,000 आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको अपन 10 मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स आर रेट, प्रॉफिट्स का रेट क्या है मार्केट में 10, तो 100 यानी कैपिटल, जिसके भी ऊपर रेट लगता है उसको 100 अज्यूम करने का होता है।
तो 60,000 10 है तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 6 लाख। इसी को इस मेथड के अंदर नाम क्या दिया गया पता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, ये नाम रट लो। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या सर, ये लिखा है सर ने, ये नोट डाउन कर लेना, कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन मार्केट एट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। उसका मतलब कि मार्केट में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 60,000 कमाने हैं, तो हमारे जितना अगर एवरेज प्रॉफिट कमाना है किसी भी बिजनेसमैन को जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं एट नॉर्मल रेट, उनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, वो बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये हमारे फर्म की कैपिटलाइजेशन वैल्यू नहीं है, ये क्या है कि मार्केट में कितना आपको 60,000 अर्न करने के लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो मार्केट में आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा गाइस, 6 लाख, तो आप कितना अर्न कर पाओगे 10% के हिसाब से 60,000। अब देखो आपने कितना कैपिटल लगाया है, हमने तो सर ये 60,000 कमाने के लिए, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, तो ये 60,000 कमाने के लिए आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, आपके असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है। देखो सर ने पहले ही समझाया कि असेट साइड में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 4,80,000। अच्छा सर कुछ समझ में आया, मार्केट में लोगों को 6 लाख लगाना पड़ेगा 60,000 जनरेट करने के लिए 10% के हिसाब से, लेकिन हमने तो 60,000 कमा लिए 4,80,000 लगाकर ही। उसका मतलब हमने कितना कम कैपिटल लगाया मार्केट के प्लेयर्स के कंपैरिजन में, 1,20,000 का कम कैपिटल लगाया टू जनरेट 60,000 का प्रॉफिट। तो ये 1,20,000 का जो हमने कम कैपिटल लगाया होता है, यही लॉजिकली गुडविल है हमारा कि हमने इतना कम कैपिटल लगा करके 60,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया मार्केट से ज्यादा, या मार्केट को अगर इतना पैसा जनरेट करना है तो 6 लाख लगाना है, हमने तो 4,80,000 में ही काम कर लिया, तो हमने जितना कम कैपिटल लगाया वही हमारे फर्म का गुडविल है। यही लॉजिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो कि मार्केट के प्लेयर्स को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, अब देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो गुडविल कैसा आया कि मार्केट में लोगों को 6 लाख लगाना पड़ेगा 60,000 कमाने के लिए, लेकिन हमने तो 4,80,000 लगाकर ही 60,000 कमा लिए, तो हमारा गुडविल कितना हो गया, हमने कितना कम कैपिटल लगाया, 1,20,000 का कम कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो यही हमारा गुडविल कि इतना कम पैसा लगाया फिर भी प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो ये लॉजिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। इसके स्टेप्स देख लो क्या है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, अगर कुछ भी एडजस्टमेंट होता तो एवरेज प्रॉफिट निकालते, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। फिर क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आ जाएगी, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा लेना है, डिवाइड बाय 10, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% होता तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, यह आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आपने क्या समझाया, कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट टू अर्न, यहाँ पे मैंने ये हटा देता हूँ, ये मत लिखना, लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन पहले ये समझ लो, कैपिटलाइज्ड कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन अ मार्केट टू अर्न एवरेज प्रॉफिट एट नॉर्मल रेट, बाद में लिखना एट नॉर्मल रेट इधर लिखना, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ऐसे सेंटेंस फॉर्म कर दो, मतलब कि मार्केट में हमारे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे आ जाएगा, उसी को अपन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म बोलेंगे, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, कि इतना कैपिटल लगाओगे 6 लाख तो 10% के हिसाब से 60,000 आप प्रॉफिट कमा पाओगे मार्केट में। आपका फिर क्या निकालना है, स्टेप 3 क्या है, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट भी बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने का, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही है। नेट असेट कैसे आता है, टोटल ऑफ असेट्स, हमेशा याद रखना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाएगा, फिक्स असेट्स लिया जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा, करंट असेट्स लिया जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाएगा। फिक्टिशियस असेट्स सर ये क्या होता है, मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ,
भारी भरकम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, 11th का कंसेप्ट है जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमने रेवेन्यू होते हैं लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड किया होता है, तो ये सारे फिक्टिशियस असेट्स है, ठीक है, ये रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दे रहे अभी आपको। तो हमें क्या लेना है, खाली फिक्स असेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटी तो भी आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल लो, रिजर्व को एड करो और ये दो चीज माइनस करना इन दोनों की टोटल में से, तो भी आपको आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या नेट असेट्स, ठीक है। ये याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस असेट्स आपको करना है, तो आपको आ जाएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि आपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया, तो ये आ गया आपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया। मार्केट में लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ता है, तो गुडविल कैसे आया कि मार्केट में लोगों ने कितना कैपिटल लगाया माइनस आपने कितना कैपिटल लगाया, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये मार्केट में प्लेयर्स को कितना लगाना पड़ेगा हमारे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यू गेट द गुडविल। ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 19 आपके लिए वैसे तो होमवर्क है। 19 में खाली बता दूं, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों को ऐड कर लो तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये नहीं गिवन, ये भी गिवन नहीं, ये भी गिवन नहीं, तो सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल गया। ये कैसे निकालने, वही पे वहां पे आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट अर्निंग 1 लाख गिवन है, देखो दे रेगुलरली अर्न 1 लाख, 1 लाख गिवन है इंटू 100 डिवाइड बाई 10 है तो आपको आ जाएगा 10 लाख, इधर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन 19 कर लेना, उसके जैसे ही 20 में फटाफट बता देता हूं। देखो, भरत एंड भूषण आर द पार्टनर इन द रिटेल बिजनेस, द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यानी बिजनेस में ओनर्स ने कितना खुद का कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है वो निकालते हैं। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। सर आप ये मेथड से कर रहे हो, हाँ, क्योंकि ये डेटा गिवन नहीं है, असेट्स के डेटा गिवन नहीं है और लायबिलिटी गिवन नहीं है, कैपिटल के डेटा गिवन है। तो हमने क्या किया, पार्टनर का कैपिटल भरत का 2 लाख, भूषण का 2 लाख 40, करंट अकाउंट के भी एक का पॉजिटिव बैलेंस है और एक का नेगेटिव है, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर दिया, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4,80,000, 2 लाख प्लस 2 लाख 40 प्लस 50 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 4,80,000। हमने कितना बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है 4,80,000। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, हम 4,80,000 लगा करके कितना कमा लेते हैं बिजनेस में 90,000। यही 90,000 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, यही 90,000 मार्केट में अगर 10% के हिसाब से अगर अर्न करना है इतना 90,000 का प्रॉफिट, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा 9 लाख। सर 9 लाख कैसे आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, स्टेप नंबर 2। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू। मतलब कि सर मार्केट में लोगों को 90,000 कमाने के लिए 9 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमने तो ये कमाल खाली 4,80,000 का कैपिटल लगा करके कर लिया, तो बोलो हमारी गुडविल कितनी हो गई 4,20,000, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा इस तरीके से ये इजी मेथड है जो कंप्लीट होती है। लॉजिक से याद रखना, प्योरली लॉजिकल कंसेप्ट है, स्टेप्स रट लो, लॉजिक लगाओ, यू विल गेट द फंडामेंटल, फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखना, फंडा क्लियर रखोगे ना सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट मेथड दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।